भारत बनाम वेस्ट इंडीज पांच T20I मुकाबलों की श्रृंखला की हो चुकी है शुरुआत। भारतीय टीम को पहले T20I मुकाबले में हार का मुंह देखना पड़ा है वेस्ट इंडीज के सामने। वेस्ट इंडीज की टीम ने लाजवाब क्रिकेट खेलकर दिखाया हम सभी को। जिस तरीके से वेस्ट इंडीज की टीम को कम आंका जा रहा था टेस्ट फॉर्मेट में, ODI फॉर्मेट में, उस तरीके से T20I क्रिकेट में तो बिल्कुल भी कम नहीं आंक सकते वेस्ट इंडीज की टीम को हम सभी। भारतीय टीम से इससे बेहतर क्रिकेट की हम सभी को उम्मीद थी, भारतीय टीम से इससे बेहतर प्रदर्शन की हम सभी को उम्मीद थी। जिस तरीके से भारतीय टीम खेली, पहले गेंदबाजी करते हुए ही कुछ गलतियां हो गई थी भारतीय टीम से। कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज को बुलाया, यानी युजवेंद्र चहल को बुलाया गया, और युजवेंद्र चहल जब आए यूजी ने विकेट चटका कर दिए, वो भी दो विकेट्स लिए अपने पहले ही ओवर में। उम्मीद थी कि अब भारतीय टीम प्रेशर क्रिएट कर देगी वेस्टइंडीज की टीम के ऊपर, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हार्दिक पांड्या एक ट्रिक मिस कर गए। यूजी चहल ने केवल एक ही ओवर डाला और लगातार ओवर फेंकवाए जा सकते थे यूजी चहल से, मगर यूजी ने वहां पर ओवर नहीं फेंका और फिर अपना कोटा भी कंप्लीट नहीं किया चार ओवर्स का, जो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। जिस तरीके से हम सभी जानते हैं यूजी चहल भारतीय टीम के लिए सबसे लाजवाब स्पिनर है T20I हिस्ट्री में। जिस तरीके से यूजी गेंदबाजी करते हैं, किसी भी बल्लेबाज से बिल्कुल भी नहीं घबराते यूजी चहल। वेस्ट इंडीज की टीम दबाव बना रही थी और यूजी चहल उस दबाव को हटा रहे थे भारतीय टीम पे से। जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही थी, खास करके तेज गेंदबाजों ने पावर प्ले में खासा निराश किया। भले ही कुछ रन पड़ गए थे, उसके बावजूद भी निकोलस पूरन और रोमन पावल के ऊपर अटैक किया जा सकता था, मगर ऐसा करने में असमर्थ रही भारतीय टीम। जसदीप और मुकेश कुमार ने गेंदबाजी जरूर अच्छी की, अंत में आते हुए उन्होंने कुछ रन जरूर घटा दिए वेस्ट इंडीज के टोटल में से, मगर शुरुआत में वो प्रेशर क्रिएट करने में बिल्कुल भी समर्थ नजर नहीं आया मुझे दोनों गेंदबाज। जिस तरीके से गेंदबाजी हो रही थी, खासा निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा शुरुआती 7-8 ओवर्स में भारतीय गेंदबाजों का। अक्षर पटेल हम सभी जानते हैं एक बड़े ही हैंडी गेंदबाज हैं, मगर अक्षर पटेल को भी पिछले मुकाबले में मार पड़ गई। निकोलस पूरन पहले ओवर में ही हाथ धो के पीछे पड़ गए थे अक्षर पटेल के। वो जब निकोलस पूरन ने हाथ खोले, तब भारतीय टीम प्रेशर में आ गई और भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने फिर से एक और गलत कदम रख दिया। अक्षर पटेल को ओवर नहीं फेंकवाया उन्होंने, स्पेल फेंकवाई जा सकती थी, 2-3 ओवर्स लगातार डलवाए जा सकते थे, मगर वहां पर भी एक ट्रिक मिस कर गए हार्दिक पांड्या। दूसरी पारी जब शुरुआत हुई, यानी भारतीय टीम जब चेस करने के लिए आई थी, तब 150 रन चाहिए थे और भारतीय टीम ने वहां पर भी एक मिस्टेक की। मुझे लगता है कि संजू सैमसन को चौथे नंबर पर भेजना चाहिए था हार्दिक पांड्या को। संजू चार नंबर पर बड़ा ही अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं IPL में, ODI क्रिकेट में, T20 फॉर्मेट में, मगर उन्हें तिलक वर्मा के बाद भेजा गया। पांचवे पर तो हार्दिक पांड्या आ गए थे, तो छठे नंबर पर आए थे संजू। उम्मीद थी कि संजू चौथे पर आएंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। संजू सैमसन रन आउट हुए और उसी के साथ भारतीय टीम की हार सुनिश्चित हो गई थी। जिस तरीके से भारतीय टीम पहले मुकाबले में खेली, गलतियां जरूर हुई भारतीय टीम की तरफ से, मगर उम्मीद है कि अब दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी और गलतियां कम करेगी। अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए दूसरे मुकाबले में, तो मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 में तो जरूर बदलाव किए जाएंगे। कुलदीप यादव को खिलाया गया था 3 स्पिनर्स, 2 पेसर्स और हार्दिक पांड्या खेले थे। तेज गेंदबाजी को ज्यादा महत्व नहीं मिला था पिछले मुकाबले में, क्योंकि स्पिनर्स को मदद मिलती है ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में, तो मुझे उम्मीद है कि अब तेज गेंदबाजों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार और उमरान मलिक या फिर आवेश खान में से कोई खेलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि उमरान मलिक एक कदम आगे हैं आवेश से, क्योंकि उनका भी ऑडिशन चल रहा है T20 वर्ल्ड कप जो होगा वेस्ट इंडीज और US से उसके लिए, और वर्ल्ड कप भारत में जो खेला जाएगा 50 ओवर का, उसके लिए भी उनका ऑडिशन चल रहा है। एशिया कप के लिए भी वो सिलेक्ट हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उमरान मलिक एक कदम आगे हैं। और उमरान मलिक अगर खेलते हैं तो वो मुझे लगता है कुलदीप यादव की जगह पर खेलेंगे। यूजी ने अच्छी गेंदबाजी की है, विकेट चटकाए पहले ही ओवर में आके, स्पेल कंप्लीट नहीं किया, स्पेल कंप्लीट करने का मौका नहीं दिया कप्तान ने, मगर उसके बावजूद भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी की। मुझे लगता है T20 फॉर्मेट में ज़्यादा अच्छे गेंदबाज हैं यूजी चहल
कुलदीप यादव से, तो मुझे लगता है उमरान मलिक को खेलने का मौका मिलेगा। और बाकी बल्लेबाजी क्रम में तो मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव करेगी भारतीय टीम। मुझे लगता है कि भारतीय टीम को एक यूनिट की तरह खेलना होगा और हार्दिक पांड्या को दूसरे खिलाड़ियों से भी इनपुट लेने होंगे, अपने मेन गेंदबाजों के ओवर्स डिसाइड करके रखने होंगे कि मुझे अब ओवर फेंकवाने हैं, मेथड के साथ जाना होगा, स्पॉन्टेनियस होना होगा। और मुझे लगता है कि ये पहला ही मुकाबला था हार्दिक पांड्या का इस सीरीज में, मगर मुझे लगता है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूव करना होगा हार्दिक पांड्या को, क्योंकि वो भारतीय टीम के फ्यूचर कप्तान हैं। और मुझे लगता है कि अगर फ्यूचर के कप्तान अभी ही मिस्टेक्स कर लेंगे और उन मिस्टेक्स से अभी सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा, फ्यूचर में कम गलतियां होंगी हार्दिक की ओर से और भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। अगर दूसरे मुकाबले में प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की बात की जाए, तो मुझे लगता है भारतीय टीम के लिए शुभमन गिल पर सभी की निगाहें होंगी। शुभमन गिल जिस तरीके की फॉर्म में रहे हैं, बिट्स एंड पीसीज में परफॉर्मेंस की है उन्होंने, बड़े ही अप्स एंड डाउन्स रहे हैं उनकी परफॉर्मेंसेज में, मगर मुझे लगता है कि आज के मुकाबले में शुभमन गिल कुछ कमाल करके दिखा सकते हैं, रन स्कोर करके दिखा सकते हैं। और हो सकता है कि बैटिंग सरफेस जब अच्छा हो तब शुभमन गिल का बेस्ट निकल कर आए। पिछले मुकाबले में स्पिनर्स को मदद थी और स्पिनर्स के आगे कहीं ना कहीं थोड़े से फंसते हैं शुभमन गिल। मुझे लगता है कि आज के मुकाबले में जब तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद होगी, बल्लेबाजों के लिए पिच अनुकूल होगी, तब अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे शुभमन गिल। अगर वेस्टइंडीज की ओर से किसी एक खिलाड़ी को पिक करना हो, तो मुझे नहीं लगता कि वेस्टइंडीज की टीम में एक खिलाड़ी को पिक करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट कभी हुआ होगा। वेस्टइंडीज की टीम में T20 फॉर्मेट में ढेर सारे मैच विनर्स हैं। जिस तरीके से हमें उम्मीद थी कि निकोलस पूरन पिछले मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, निकोलस पूरन अच्छा खेले, मगर उन्हें आउटशैडो कर दिया अपने परफॉर्मेंस के साथ जेसन होल्डर ने। जेसन होल्डर ने पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी। मुझे लगता है कि इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम के लिए सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर होंगे काइल मेयर्स। काइल मेयर्स की हालिया फॉर्म खराब रही है, मगर दोनों ही पक्षों से मैंने ओपनर्स को पिक किया है, क्योंकि नई गेंद जब होगी, पिच अच्छी होगी, बैटिंग के लिए अनुकूल होगी, उस सरफेस पर बल्लेबाज अच्छी फ्री फ्लोइंग शॉट्स खेल सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि काइल मेयर्स कितने धमाकेदार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, एक अलग ही फ्लेयर है उनकी बल्लेबाजी में। जिस तरीके से स्ट्रोक प्ले करते हैं काइल मेयर्स, मुझे लगता है कि उन्हें बल्लेबाजी करते देख ब्रायन लारा की याद आ जाती है। और जिस तरीके से काइल मेयर्स बल्लेबाजी करते हैं, वेस्टइंडीज की टीम के लिए बहुत अच्छी पारी खेल सकते हैं वो आज के मुकाबले में, और भारतीय गेंदबाजों को बच के रहना होगा काइल मेयर्स से। उम्मीद है कि शुभमन गिल और काइल मेयर्स दोनों ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर विजेता पिक करना हो आज के मुकाबले में, पिछले मुकाबले में मैंने भारतीय टीम को पिक किया था, देश प्रेम को ज्यादा महत्व दे दिया था मैंने, मगर मुझे लगता है कि आज का मुकाबला भारतीय टीम जीतेगी। बैटिंग सरफेस होगा, टॉस जीतेगी जो टीम, वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेगी, गेंदबाजी करेगी तब चेस करना होगा बाद में आकर। और मुझे लगता है कि भारतीय टीम मादा रखती है, अगर टॉस जीत जाएगी तो चेस कर पाएंगे इस मुकाबले में, इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। और अगर पहले बल्लेबाजी भी करनी पड़ेगी तो मुझे लगता है भारतीय टीम अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करेगी। उम्मीद है कि भारतीय टीम ये वाला मुकाबला जीतेगी और 1-1 से श्रृंखला को बराबर करेगी। और तीसरे मुकाबले में जब हम जाएंगे तब तीसरा मुकाबला और एंटरटेनिंग हो जाएगा। अब आपसे मुलाकात होगी बहुत ही जल्द अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।